हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन। देखो, आपको पता है स्टैटिस्टिक का एक ग्रेट रोल बिजनेस में रहा है, इकोनॉमिक्स में रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग में रहा है, और गवर्नमेंट ने भी स्टैटिस्टिक को यूज किया है टू डिटरमाइन नेशनल इनकम, टू डिटरमाइन जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन इतना ही ग्रेट इम्पोर्टेंस इसका एजुकेशन में भी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको स्टैटिस्टिक का इम्पोर्टेंस एजुकेशन में क्या है, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगी कि स्टैटिस्टिक होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उसका रोल इन एजुकेशन। तो स्टैटिस्टिक होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक हम कहते किसे हैं। स्टैटिस्टिक का मतलब होता है इट रिलेट्स टू कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। देखो, सबसे पहले कोई भी डाटा हम रैंडमली कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और फाइनली कंक्लूजन निकलता है आफ्टर थिंकिंग एंड आफ्टर ग्रेटर स्किल्स एप्लीकेशन। देखो, डाटा हमें दो तरीके से मिल सकता है, एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में, दूसरा क्वालिटेटिव फॉर्म में। क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या होती है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स जैसे 10, 20, 50, 100, ये हो गया क्वांटिटेटिव वैल्यू। दूसरा होता है क्वालिटेटिव वैल्यू। क्वालिटेटिव फॉर्म क्या होती है, जिसमें एबिलिटी, जिसमें स्किल्स आती हैं, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, एटीट्यूड हो गया, पर्सनालिटी होगी। ये जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, इसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक। हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा इन न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद ही वो एक्सप्रेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन न्यूमेरिकल फॉर्म, को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम इंटेलिजेंस को लेते हैं, इंटेलिजेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम स्टूडेंट का आईक्यू चेक करते हैं। जो स्टूडेंट गिफ्टेड है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनका आईक्यू लेवल अबव 130 होगा। जो एवरेज स्टूडेंट है उनका आईक्यू लेवल 100 होगा, और जो बच्चे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उनका आईक्यू लेवल बिलो 70 होगा। तो जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है, सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ही डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो, ये जो स्टेप्स आते हैं वन बाय वन, इसी तरह से स्टेप्स आती हैं। सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं डाटा का रेंडमली ऑर्डर में, यानी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे से हम डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, रेंडमली कलेक्शन होता है डाटा का। उसके बाद उसका होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्लासिफिकेशन और एडिटिंग के द्वारा हम उस डाटा को ऑर्डरली ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है प्रेजेंटेशन। जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, या डायग्रामेटिकली हम उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में क्या होता है, यहाँ टेक्निक्स का यूज किया जाता है। टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड आता है। दूसरा आ जाता है डिस्पर्जन, कोरिलेशन और कोएफिशिएंट। ये सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। सारी टेक्निक्स मैं आपको पढ़ाऊंगी वन बाय वन करके। आगे के जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूंगी उनमें मैं सारी टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, डिस्पर्जन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी। इसलिए कंटिन्यू आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। और लास्ट में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। देखो, यहाँ पर जो हमारी स्किल्स और थिंकिंग होती है उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं और उस कंक्लूजन को हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये होता है आपका स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में ये पांच स्टेप्स होती हैं, वन बाय वन सारी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं।
जब भी हम स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं तो यही पांच स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, सेकंड होगी क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, थर्ड होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ होगी एनालिसिस ऑफ डाटा एंड लास्ट होगी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। चाहे हम एजुकेशन में यूज करें स्टैटिस्टिक, चाहे हम इकोनॉमिक्स में यूज करें, चाहे हम सेंसस के लिए यूज करें, कहीं भी हम इकोनॉमिक्स का यूज करेंगे तो स्टेप्स तो यही होंगी। क्लियर? अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रोल ऑफ स्टैटिस्टिक इन एजुकेशन। देखो इसके कौन कौन से फीचर्स बन जाते हैं। सबसे पहला फीचर आता है टू प्रोवाइड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। देखो क्लासरूम में अलग अलग आईक्यू के बच्चे होते हैं। टीचर उन बच्चों के इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट एडमिनिस्टर करता है। हर बच्चे की स्कोरिंग एक दूसरे से डिफर करती है, हर बच्चे के मार्क्स अलग होते हैं। टीचर क्या करता है, सब बच्चों के मार्क्स रिकॉर्ड करता है। टीचर कीनली ऑब्जर्व करके उसके परफॉर्मेंस को कंक्लूड करता है कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में प्रोग्रेस कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में उसको ग्रेट एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। तो उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन टीचर उसके पेरेंट्स को इंटरप्रेट करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज टू समराइज द रिजल्ट इन अ मीनिंगफुल एंड कन्वीनियंट फॉर्म। देखो जो भी आपका डाटा होता है टीचर उसे एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करता है, कन्वीनियंट और प्रिसाइज फॉर्म में उस रिजल्ट को एक्सप्रेस करता है। जब आपके पेरेंट्स पीटीएम में आपका रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो विद इन सेकेंड टीचर आपके रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देता है बिफोर योर पेरेंट्स। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, ये स्टेटिस्टिक की मदद से पॉसिबल हुआ है क्योंकि टीचर ने पूरे रिजल्ट को एक प्रिसाइज फॉर्म में अरेंज किया है और अंडरस्टेबल मैनर में वो आपके पेरेंट्स के सामने आपका रिजल्ट एक्सप्रेस करता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज टू अपडेट टीचिंग मेथोडोलॉजी। देखो स्टैटिस्टिक की हेल्प से टीचिंग मेथड्स के बारे में हमें पता लगता है कि कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चों को कौन सा मेथड अच्छे से समझ में आता है ये हमें स्टैटिस्टिकल डाटा की वजह से क्लियर होता है। देखो आपको एग्जांपल देती हूँ, दो मेथड हैं, एक इंडक्टिव है दूसरा डिडक्टिव है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम पहले किसी भी टर्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ये बच्चों को टफ लगता है। दूसरा जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है कि पहले आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं, पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उनके बेसिस पर किसी भी डेफिनेशन को क्लियर किया जाता है। टीचर बाद में डेफिनेशन बताता है, पहले आपको एग्जांपल्स देता है। इस मेथड में क्या होता है कि आपको कंसेप्ट इजिली क्लियर हो जाता है। तो दोनों मेथड्स के मार्क्स इंडिविजुअली स्कोर किए जाते हैं, दोनों को कंपेयर किया जाता है कि कौन से मेथड से बच्चों को अच्छे से समझ में आया उस मेथड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ये पॉसिबल होता है स्टैटिस्टिक की वजह से क्योंकि जब हमने दोनों मेथड्स अलग अलग अप्लाई किए और दोनों के मार्क्स की रिकॉर्डिंग की तो हमें पता लगा कि जो इंडक्टिव मेथड है वो ज्यादा यूजफुल है डिडक्टिव मेथड से। तो ये अपडेट करता है हमें कौन से मेथड हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज टू कम्पेयर ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेलेक्शन एंड प्रमोशन। देखो यहाँ स्टूडेंट्स को कम्पेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेलेक्शन एंड प्रमोशन। सबसे पहले टीचर डाटा रेंडमली रिकॉर्ड करता है, उसके बाद वो क्लासिफाई करता है उस डाटा को कि जो स्टूडेंट एक टारगेट ग्रुप को अचीव कर रहे हैं उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे, जो स्टूडेंट टारगेट ग्रुप से नीचे हैं उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा और जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें आगे प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारा पॉसिबल होता है स्टैटिस्टिक की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल। देखो स्टूडेंट का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। टीचर के पास स्टूडेंट का पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड होता है, कितने मार्क्स उसके यूटी में आए, कितने मार्क्स उसके सेमेस्टर में आए, कितने मार्क्स पीरियोडिक्स में आए, सारा रिकॉर्ड टीचर के पास होता है। उन मार्क्स के बेसिस पर वो बच्चे के फ्यूचर मार्क्स
प्रेडिक्ट कर सकता है, एंटिसिपेट कर सकता है। देखो वो फाइनल जजमेंट तो नहीं दे सकता मार्क्स के बारे में, लेकिन एक प्रेडिक्शन दे सकता है कि जितने मार्क्स टीचर बता रहा है उसके आसपास ही बच्चे के मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसका जो प्रेडिक्शन किया गया है वो उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पर किया गया है। तो यहाँ बच्चा कितने मार्क्स सिक्योर करेगा इन फ्यूचर, ये एडवांस में ही प्रेडिक्ट कर दिया जाता है। ये सब पॉसिबल होता है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट। देखो इवेल्युएशन और मेजरमेंट ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टीचर का इवेल्युएशन उसके प्रीवियस रिकॉर्ड पर डिपेंड होता है, किस सब्जेक्ट में बच्चे को ग्रेट एफर्ट्स करने हैं, किस सब्जेक्ट पर बच्चे को मेन फोकस करना है, ये सब वो इवेल्युएट करने के बाद बताता है। और इवेल्युएशन होता है पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर। पास रिकॉर्ड टीचर के पास अवेलेबल होता है कि बच्चे ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं अपने प्रीवियस एग्जाम में, उसके बेस पर टीचर इवेल्युएट करता है, अपना जजमेंट देता है, मेजरमेंट निकालता है स्टूडेंट के बारे में, और वो बताता है उसके पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में वो सही चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट में वो अबव एवरेज है और कौन से सब्जेक्ट में बिलो एवरेज है। तो ये सारा इवेल्युएशन, ये सारा कंक्लूजन, ये सारा जजमेंट वो प्रीवियस रिकॉर्ड के बेस पर देता है, जो पॉसिबल होता है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन। देखो यहाँ स्टैटिस्टिक से सिर्फ टीचर को हेल्प नहीं मिलती, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको भी स्टैटिस्टिक से मदद मिलती है। वो अपनी आगे की प्लानिंग, जो फाइनेंशियल डिसीजन उनको लेने हैं वो एक्यूरेटली ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारा प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उनके एक्सपेंडिचर का, कि कितना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए पैसा लगाया, कितना इंक्रीमेंट उन्होंने टीचर्स को दिया, सारा रिकॉर्ड उनके पास रिटर्न होता है। उस बेसिस पर वो अपनी आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आगे के डिसीजन इजिली ले सकते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन अमंग इंस्टीट्यूशंस। देखो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आता है, कौन से इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करते हो, आप देखते हो कि यहाँ बच्चों का पासिंग रेट क्या है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वो सारा उनके पास रिकॉर्डेड होता है, सारी फाइल्स होती है, सारे प्रोस्पेक्टस होते हैं, तो आप वो चेक कर सकते हो और जो बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये पॉसिबल हुआ है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड की वजह से। तो होपफुली आपको स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये इसका बेसिक लेक्चर था, फंडामेंटल लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे के पार्ट्स अपलोड करूंगी। कंटिन्यूटी में मेरे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।